आज मैं हूँ राजस्थान के आभा नेरी कस्बे में, दौसा ज़िले में है और यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह आज मैं जा रही हूँ जो भारत में अपने रहस्य को लेकर, रोमांच को लेकर और अपने भुधा आकर्षण को लेकर बहुत प्रसिद्ध है। यह है भानगढ़ का किला। बहुत किस्से सुने थे भानगढ़ के, यहां पहुंची तो पुरानी उजड़ी बस्ती में खुद को पाया। खंडरों का हाल यह है कि बंदर तो बंदर, इंसान भी इन पर कूदते फिरते हैं। आसपास के गांवों से लोकल्स दिन भर यहां मटर गश्ती करते दिख जाएंगे। अब इन चेहरों को देखकर कौन कहेगा कि ये जगह हॉन्टेड भी हो सकती है। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये जगह कभी बाजार रही होगी। और ये जो टूटी फूटी इमारतें हैं ना, ये उस बाजार की दुमंजिला दुकानें हैं। यह है भानगढ़ फोर्ट कॉम्प्लेक्स में गोपीनाथ मंदिर। इसमें कोई मूर्ति नहीं है, तो भाई इसी को लेकर किस्से बन गए। वैसे मूर्ति ना सही, मंदिर की छत और दीवारों के मोटिफ देखते ही बनते हैं। और ये उल्लू की शक्ल वाले मोटिफ तो वाकई कौतूहल पैदा करते हैं। सोमनाथ मंदिर है भानगढ़ की इस भूतहा बस्ती में। ये एक लाइव टेंपल है जिसमें एक शिवालय है। अब चलते हैं भानगढ़ किले की तरफ। इसे हॉन्टेड बताने वाले यहां से रात के वक्त तरह तरह की आवाजें आने की बातें करते हैं। भाई हमने तो एक पूरी दोपहर यहां बिताई, मौसम खुशनुमा था और हमें भूत भूत भी दिखाई नहीं दिए। मुस्कुराते हुए टूरिस्ट जरूर दिखे जो अमूमन लोकल्स ही थे। हाँ, इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए चमगादड़ों की दुर्गंध इतनी भयानक आ रही थी कि भूत भी डर कर भाग जाएगा। और अब हम पहुंच गए थे छत पर, जहां इस पुरानी इमारतों के टूटे फूटे हिस्से बिखरे हुए हैं। यहां से पूरे फोर्ट कॉम्प्लेक्स का नजारा दिखाई देता है। है ना खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट। तो भाई हम तो लानत भेजते हैं उन किस्सेबाजों को जो भानगढ़ के किले के बारे में सुनी सुनाई कहानियों में और तड़का लगाकर सुनाते हैं। ना कोई आधार होता है, ना रिसर्च। इंटरनेट पर जो दिखा उसे ही टीप दिया।
हम तो सलाह देंगे, अपनी आंखों से जो देखो उस पर भरोसा करो।